sorry. दोस्तों, तकसीम हिंद तारीख का एक खुरेज बाब है, जब सदियों के रिश्ते खाक में मिल गए, जब मुद्दत से दबी तासुब और नफरत की चिंगारी शोला बनकर कुछ यूं उभरी कि मोहब्बत, रवादारी, एहसानात और एहसासात सब जलकर राख हो गए। 70 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, वो नस्ल भी तकरीबन दुनिया से रुखसत हो चुकी है जो इन दिल खराश वाकयात की चश्मदीद गवाह थी। मगर जब जब तारीख के औराक पलटे जाते हैं, हर जख्म ताज़ा हो जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि इस कदर अहम मौजू पर हमारे फिल्म साजों ने बहुत कम ही तवज्जो दी। 70 सालों में चंद एक ही ऐसी फिल्में सामने आईं जिनमें तकसीम हिंद के मौके पर होने वाली कत्लोगारत गिरी और साजिशों को बेनकाब किया गया। ऐसी फिल्मों में पंजाबी जबान की फिल्म करतार सिंह और उर्दू फिल्म खाक और खून सबसे नुमाया है। करतार सिंह पर एक वीडियो में हम तफसील से बात कर चुके हैं, आज पेश करेंगे आपकी खिदमत में खाक और खून से जुड़ी तमाम तर मालूमात पहली बार YouTube पर। जी दोस्तों, खाक और खून पाकिस्तान की वाहिद फिल्म जिसे 1979 में जिया हुकूमत ने तैयार किया। नेफडेक के जरिए इस फिल्म की शुरुआत हुई। बाकायदा उस वक्त के नामवर अदीबों और दानिशवरों का एक बोर्ड तश्कील दिया गया जिसमें फिल्म के हवाले से मुस्तनद शख्सियात भी शामिल थीं। मुशावरत से फैसला हुआ कि नसीम हज्जाजी के नावल खाक और खून पर फिल्म बनाई जाए। डायरेक्शन के लिए सीनियर हिदायतकार मसूद परवेज और मौसीकार निसार बज़मी का इंतखाब हुआ। बाद अज़ां स्क्रिप्ट के मुताबिक नामवर शोरा का कलाम मुंतखब किया गया। फिल्म के लिए तश्कील बोर्ड ने मुशावरत से ये भी फैसला किया कि फिल्म के बजाय टीवी के मशहूर अदाकारों को फिल्म में शामिल किया जाए। चंद सीनियर और कुछ गैर मकबूल फिल्मी अदाकारों और टीवी के सुपर स्टार्स के इश्तराक से खाक और खून की बाकायदा शूटिंग का आगाज 1978 में हुआ। जिन आठ सूबों में कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ सुना है मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं। अरे भाई, किसी हद तक ही अफवाहें दुरुस्त हैं अफजल मियां, लेकिन बढ़ा भी देते हैं कुछ जेबे दास्तां के लिए। असल में जो रोग हमारे वतन को खाए जा रहा है वो है फिरका वाराना तासुब। हमारे अपने सूबे में सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद से यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत कायम, वही इसीलिए यहाँ हमने 1 साल से ज्यादा अरसे तक खाक और खून जेर तकमील रही। जी दोस्तों, बात होगी मजीद खाक और खून के हवाले से हज़्ब साबिक फिल्म की कहानी, फनकारों और पसे पर्दा शख्सियात की कारकर्दगी पर नजर दौड़ाएं। कहानी से कबल हाजिर है फिल्म का टाइटल। नेफडेक रिलीज उर्दू रंगीन तारीखी फिल्म खाक और खून। कास्ट में शामिल नुमाया अदाकार नवीन ताजिक, आगा फराज, समीना अहमद, वहीदा खान, फौजिया दुर्रानी, रोशन हैदर अब्बास, आसिम बुखारी, दुर्दाना रहमान, शुजात हाशमी, महबूब आलम, आबिद अली बदीउज़्ज़मां, शाहिद पंडित, आफताब अहमद, जोरेन, मिर्जा शाही, फखरी अहमद, जमील फखरी, जमील बिस्मिल, बटकाशर, जिले सुबहानी, सलीम नासिर, नजमुल हसन के अलावा सैकड़ों नामालूम अदाकार। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फरीद अहमद राशिद मुख्तियार, हिदायतकार मसूद परवेज, कहानी नसीम हज्जाजी, मौसीकी निसार बज़मी, अकास मसूदुर रहमान, कैमरा मैन रशीद कारदार, आर्ड
हाजी मोहियुद्दीन, तदवीन अली, फाइट एम आर राजो, शायर कतील शिफाई अहमद फर्राज, असगर अली कौसर और शायर मशरक अल्लामा इकबाल। गुलकारों में शामिल मेहदी हसन, अखलाक अहमद, जमाल इशरत जहां। खाक और खून की कहानी। मुस्लिम अक्सरियती इलाके गुरदासपुर मशरकी पंजाब के एक गांव के पस मंजर में है। कहानी में गांव में आबाद तीन बड़े मजहबी तबकात के जरिए उस वक्त हिंदुस्तान में आबाद मुसलमान, हिंदू और सिखों के सियासी और मजहबी रुझान की अक्कासी की गई है। चौधरी रहमत अली का खानदान गांव का सबसे ज्यादा बा असर और ताकतवर खानदान है। चौधरी रहमत अली का बेटा अली अकबर सलीम नासिर तहसीलदार है। पाकिस्तान की तहरीक उरूज पर है, लेकिन अली अकबर अलग वतन के मुतालबे का मुखालिफ है। अली अकबर के दीगर तीन भाई जिनमें अफजल यानी की अदाकार हैदर अब्बास, अदाकार रोशन खेतों की देखभाल करते हैं। इसी गांव में इंदर सिंह का खानदान भी आबाद है। इंदर सिंह का बेटा शेर सिंह महबूब आलम कुछ अखड़ मिजाज है, मगर उसकी अफजल यानी के हैदर अब्बास से पक्की दोस्ती है। लक्ष्मण दास जोरेन के जरिए हिंदू तबके की निशानदेही की गई है। बेटा कुंदन, हिंदी अपने देश की भाषा है और गांधी जी महाराज कहते हैं कि उर्दू भी। वो तो पुरानी बात है सेठ जी, अब तो महात्मा जी ने भी कह दिया है कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। अब मैं उर्दू नहीं पढ़ूंगा। बच्चा है बच्चा। हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक अब तकसीम हिंद की तहरीक बन चुकी है, इसलिए सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और सिख अब मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हद बंदी नहीं हुई है। कहानी का हीरो सलीम आगा फराज शायर है और कॉलेज में तहरीक पाकिस्तान का सरगर्म कारकुन। तुलबा तंजीम का सरबरा शुजात हाशमी सलीम से कहता है कि वो अपनी शायरी को आज़ादी की जदोजहद के लिए इस्तेमाल करे। सलीम चौधरी अकबर का बेटा है जो मुस्लिम लीग का मुखालिफ और हालात उसी के बेटे को मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा हामी बना देते हैं। सलीम की मंगेतर इस्मत यानी के अदाकारा नवीन ताजिक है। उसके वालिद डॉक्टर शौकत यानी के अदाकार आसिम बुखारी भी सीनियर लीगी रहनुमा हैं। अक्सर डॉक्टर शौकत और अली अकबर में सियासी मौजू पर तल्ख कलामी होती है। एक बार तल्खी इतनी भड़ती है कि मंगनी भी टूट जाती है। इसी दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क़याम का ऐलान होता है। दोनों मुमालिक की हद बंदी होती है। साजिश के तहत कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान में शामिल कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में राष्ट्रिया सेवक सिखों को हथियार देकर मुसलमानों के कत्लेआम के लिए तैयार करती है। इसी साजिश के तहत गुरदासपुर भी हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाता है। ये फैसला यहाँ के मुसलमान तस्लीम नहीं करते, जिस पर यहाँ कत्ल गारत गिरी शुरू की जाती है। मुसलमान औरतों को कैद में रख कर उनकी इस्मत दरी की जाती है। लड़कियाँ अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा देती हैं। काफिलों पर हमले शुरू हो जाते हैं। दूध पीते बच्चों को तलवार की नोक पर उछाला जाता है। लिखता हूँ, फाड़ लेता हूँ। मेरा जहन तो साफ हो गया, लेकिन दिल अभी जहन का साथ नहीं देता। सब वो कोई जज्बाती बात नहीं बन रही। बनेगी सलीम, मियां जज्बाती बात भी बनेगी, मगर यहाँ इस कमरे में बंद होकर नहीं। हमारे साथ चलो, गांव गांव दौरा करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तब अस्सलाम वालेकुम।
चौधरी रहमत अली और उसके बेटे फसादात में मारे जाते हैं। तहसीलदार अली अकबर को अब एहसास होने लगता है कि उसने मुस्लिम लीग की मुखालफत करके बड़ी गलती की। वो अंग्रेज हुकूमत के अहकाम तस्लीम करने से इनकार करता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर तशद्दुद होता है। मरने से कबल वो डॉक्टर शौकत की बेटी इस्मत से सलीम की शादी की वसीयत करता है। इस पुराशोब माहौल में भी चंद इंसान दोस्त हिंदू और सिख मुसलमानों की मदद करते हैं, जिनमें शेर सिंह महबूब आलम भी शामिल है। ये सब मुसलमानों को बचाते हुए जान कुर्बान कर देते हैं। सरदार जी, अभी अभी मुनीम जी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे हैं। वो 2000 की रकम बहुत बड़ी है। अभी मैं रकम लेने के लिए नहीं आया सेठ जी, पटवारी के लिए सिफारिश चाहिए। सुनिया है अली अकबर तहसीलदार शहर से आया हुआ है, अगर आप उसे कह दें या उसे कोई रिश्वत विश्वत। हरिओम 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 हरिओम। अरे चौधरी रहमत अली का लड़का अली अकबर और फिर रिश्वत, क्यों मुझे अंदर करवाना है सरदार जी? ऐसे काम के लिए कभी नाम भी ना लेना तहसीलदार जी का। फिल्म का आखिरी हिस्सा इंतहाई तवील, जिसमें तकसीम हिंद के मौके पर होने वाली खूनरेजी को दिखाया गया है। सलीम और उसके साथी डॉक्टर शौकत एक काफले के साथ पाकिस्तान की जानिब सफर करते हैं। वो दरियाए रावी पार करके गुरदासपुर से पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होते हैं और अर्ज पाक पहुंचकर सजदाए शुक्र अदा करते हैं। तहसीलदार की ख्वाहिश के मुताबिक सलीम इस्मत को मंगनी की अंगूठी पहनाता है और फिल्म अपने अंजाम को पहुंच जाती है। वजह फरमाया डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर, लीग तो वोट ही पाकिस्तान के नाम पर मांग रही है। अगर लीग इलेक्शन जीत गई तो इसका मतलब यह है कि पंजाब ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया है। सर, अगर इस मूवमेंट को कुचला ना गया तो रिजल्ट अच्छा ना हो। जी दोस्तों, हमने बहुत इख्तिसार से फिल्म की कहानी बयान की है, वरना फिल्म में तकसीम हिंद के मौके पर होने वाली खूनरेजी को जिस भरपूर अंदाज में नुमाया किया गया है उसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी सुनने के बजाय स्क्रीन पर देखी जाए तो यकीनन कुछ खामियों के बावजूद एक शाहकार फिल्म आपको देखने को मिलेगी। चूँकि ये फिल्म हुकूमत पाकिस्तान के सरमाया से की गई है, इसलिए इंडोर और आउटडोर में बड़े बड़े सेट लगाए गए हैं। सैकड़ों एक्स्ट्रा फनकारों के साथ जंगो जदल के वाकयात फिल्म बंद किए गए, जो फिल्म में हकीकत का रंग भरते हैं। अकाश मसूद रहमान और रशीद कारदार ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर तमाम ही मनाजिर को इंतहाई महारत से फिल्म बंद किया है। हिदायतकार मसूद परवेज के क्रेडिट पर पाकिस्तान की निस्फ दर्जन शाहकार और हर्फ आखिर फिल्में हैं। खाक और खून भी इन ही में से एक है। मलिक साहब लीग से इसलिए किनारा कश हो गए कि लीग भी कांग्रेस की तरह अंग्रेज दुश्मनी पर तुल गई थी और ये मुसलमानों के मफाद के खिलाफ। तो आप भी खिजर हयात के हम ख्याल हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि अंग्रेज का दोस्त मुसलमानों का फायदा कैसे सोच सकता है? सर सैयद को आप मुसलमानों का दुश्मन कहेंगे? उन्होंने अंग्रेज को अपना दोस्त बनाया। अंग्रेज तो हमसे खायफ था, उसने हुकूमत हमसे छीनी थी, इसलिए वो हिंदुओं को हमारे मुकाबले में हर शोबे में आगे बढ़ने में मदद दे रहा था। जैसा मैंने खाक और खून के हवाले से ये मालूमात भी आपको फराहम करते चलें कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की एक गजल को फिल्म में शामिल करने से कबल डॉक्टर जावेद इकबाल से बाकायदा इजाजत हासिल की गई। मशरकी पंजाब की सकाफत के लिए मशहूर शायर अहमद राही का इंतखाब किया। उनकी हिदायत पर उस वक्त के हिंदू मुसलमान और सिखों के लिबास और मकानात के अलावा रहन सहन के हिसाब से सेट लगाए गए। इसी तरह मलबूसात की तैयारी सीनियर अदाकार जोरेन के सुपर्द की गई। उन्होंने फिल्म में लक्ष्मण दास हिंदू का किरदार भी बखूबी अदा किया था। इसीलिए तो सुना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तमाम मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा करने वाली है। उसी वतन का मुतालबा जो अल्लामा इकबाल मरहूम ने आज से 9 साल पहले किया था। क्यों सलीम, हमारे वतन का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। भाई अली अकबर, तुम तो इत्तेहाद पार्टी के बड़े कट्टर हामी हो,
तुम्हारी बेटी और बेटा तो लीगी हो गए। जी दोस्तों, खाक और खून 1979 में रिलीज हुई और बदतरीन नाकामी से दोचार। इस फिल्म की नाकामी की एक वजह तो यही थी कि इसे फिल्मी लवाजमात के बिना बनाया गया, यानी रिवायती अंदाज के इश्को मोहब्बत के गाने और रक्स वगैरह इस फिल्म में शामिल ना थे। इसके साथ साथ फिल्म की कास्ट टीवी फनकारों पर मुश्तमिल थी जिनकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू सिफर थी। जमील बिस्मिल, जिले सुबहानी, आबिद अली, सलीम नासिर, शुजात हाशमी, महबूब आलम, फखरी अहमद वगैरह बहुत मशहूर स्टार थे, मगर इनकी वैल्यू सिर्फ टीवी तक महदूद थी। तहम इन तमाम ही अदाकारों ने अपने किरदारों में सुपर क्लास परफॉर्मेंस पेश की। खाक और खून के हीरो और हीरोइन फिल्म से ताल्लुक रखते थे, मगर यहाँ इनकी वैल्यू ना होने के बराबर थी। फिल्म का हीरो यानी कि आगा फराज तो नाकाम हीरो का लेबल खुद पर लगा चुका था और फिल्मों में छोटे मोटे किरदार अदा कर रहा था। उसे इस कदर बड़ा किरदार देना भी एक बड़ी खामी थी। अगर उनकी जगह वहीद मुराद, गुलाम मोहियुद्दीन या शाहिद को कास्ट किया जाता तो खाक और खून बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती थी और इसके मेयार में भी इजाफा होता। मगर ये तो सोचो कि उन सिखों का क्या बनेगा जो पाकिस्तान में है। किन मुसलमानों को तुम यहाँ से निकालोगे? वो उन्हें पाकिस्तान में रहने देंगे? और हम यहाँ तक किसी मुसलमान को बचकर नहीं जाने देंगे। भाइयों, बहादुर किसी के एहसान का बदला इस तरह दिया करते हैं? आज आप जिन लोगों पर हमला करने जा रहे हैं, उन्होंने दिन रात हमारे घरों पर पहरे दिए हैं। आज ये इलाका हमें मिल गया है। आज हमें यह साबित करना है कि सिख कौम एक एक बदला बुराई से नहीं देती। फिल्म खाक और खून में चार गीत शामिल हैं। चारों गीतों की धुनें निसार बज़मी ने उम्दगी से मुरतब की। ये गीत अगरचे अवामी सतह की मकबूलियत हासिल ना कर सके, मगर जब जब फिल्म में इन गीतों को सुना गया कानों को बहुत भले लगे। फिल्म की कहानी के हिसाब से निसार बज़मी ने हज़्ब साबिक इंतहाई शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक भी तरतीब दिया जो मनाजिर के तासुर को उभारने में मदद देता है। गीतों की शायरी पर राय देना सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है कि कतील शिफाई, अहमद फराज और अल्लामा इकबाल जैसे बुलंद पाया शोरा के कलाम का इंतखाब इस फिल्म के लिए किया गया था। लक्ष्मण दास कांट की गोलियां नहीं खेलता। तुम शेरिंग की चिंता ना करो, मैंने उससे सुबह से इतनी बुलाई है कि दो दिन तक उसे होश नहीं आएगा। कहां वो अब? मेरे डेरे पर, शेर पिंजरे में बंद पड़ा है। बल्ले हो बल्ले। जी दोस्तों, खाक और खून की नाकामी के हवाले से एक बात और आपको बता दें कि ये फिल्म हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार की और खुद हुकूमती इदारे यानी कि सेंसर बोर्ड ने इसके कुछ मनाजिर पर एतराज किया जिनमें मुसलमान खवातीन से सिखों और हिंदुओं की दस्त दराजी और उनकी इस्मत दरी दिखाई गई थी। 70 की दिहाई में अगर कोई फिल्म सेंसर में फंस जाती तो वो 50% पहले ही से नाकाम करार दे दी जाती थी। खाक और खून का नतीजा भी कुछ यही निकला। मुसलमानों और सिखों को कैसे लड़ा दिया? यही तो राजनीति है बेटा। वो पाकिस्तान ले ले, ये खालिस्तान ले ले, तो बेटा अपनी भारत माता के पास बाकी कह रहा। अफवाह बंद करो सेठ के बच्चे, हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। ऐसा ना कहो महाराज, ऐसा ना कहो। आप जितना रुपया चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर बंदूकें और कारतूस लाओ तो माफी की बात सोची जा सकती है। सूबेदार महाराज, मेरे पास 3-4 बंदूकें बाकी हैं और 1000-2000 गोलियां। अगर हुक्म हो तो जाओ, अभी लेकर आओ। मजमुई तौर पर खाक और खून एक शाहकार तख्लीक है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो भी माजी की हुकूमत की तरह इस इकदाम की तकलीद करते हुए कयाम पाकिस्तान और जदोजहद आज़ादी हिंद में मुसलमानों के किरदारों पर ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाए ताकि हर नस्ल को एहसास रहे कि हमने किस कदर कुर्बानियों के साथ
ये वतन हासिल किया था। साथ साथ खाक और खून के प्रिंट को भी मुकम्मल यकजा करके महफूज किया जाए और हर तालीमी इदारे में इस फिल्म की नुमाइश लाजमी करार दी जाए, बल्कि इस फिल्म को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म खाक और खून। उम्मीद है आपको हमारा तबसरा पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देना ना भूलिएगा। अगली फिल्म तक के लिए दें यासीन हमीद को इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।